भारत में कोरोना का संक्रमण काबू में नहीं आ रहा। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के ताजा आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक देश में संक्रमित मामलों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर 5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर 100 साल एक ऐसी ही महामारी आती है और ये हर 100 साल बाद आती ही है। सबसे पहले 1720 में प्लेग। आज से करीब 300 साल पहले यानी कि 1720 में विश्व में प्लेग फैला था। इस प्लेग को ग्रेट प्लेग मार्सिले कहा जाता था, क्योंकि मार्सिले फ्रांस का एक शहर है जहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि इसमें 1,00,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। फिर 1820 में कोलेरा। प्लेग के 100 साल के बाद एशियाई देशों में कोलेरा फैला था, जिसमें जापान के अलावा फ्रांस की खाड़ी के देश बैंकॉक, भारत, मनीला, जावा, ओमान, चीन, मॉरिशियस और सीरिया जैसे देशों में भारी तबाही मचाई थी। कोलेरा के कारण अकेले जावा में ही 1,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया में भी भारी मौत हुई। 1920 में स्पेनिश फ्लू। कोलेरा के 100 साल के बाद फिर से एक महामारी आई, जिसको स्पेनिश फ्लू कहा जाता था। यूं तो ये बीमारी 1918 में फैली थी, लेकिन इसके कारण मौतें 1920 में हुई थी। तब तक इस महामारी के कारण दुनिया में करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। और अब 2020 में कोरोना का कहर। चाइना के वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। अब तक इस महामारी से दुनिया में 3,00,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में ये महामारी फैल चुकी है। चाइना के अलावा इटली, ईरान, जर्मनी, अमेरिका समेत कई देशों में ये तबाही मच रही है। पूरी दुनिया के सभी शहर और गाँव लॉकडाउन हो चुके हैं। बता दें कि किसी भविष्यवेत्ता ने काफी साल पहले ही 2020 में महामारी फैलने और इसके कारण दुनिया की आधी आबादी खत्म होने का दावा किया था। वर्ष 2008 में प्रकाशित एंड ऑफ डेज नाम की किताब में भी इसी तरह की बीमारी का दावा किया गया था। उससे पहले 1981 में द आईज ऑफ डार्कनेस नामक किताब में भी ये भी कहा गया था कि चीन के वुहान से एक बीमारी शुरू होगी जो फेफड़ों और सांस पर अटैक कर दुनिया पर मौत का कहर बरपाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा और साथ ही से लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आप तक ऐसी और भी कई खबरें जानकारियां हर रात 9 बजे यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।